तो आपको हम लगातार जिस तरह से बता रहे हैं कि किसान आंदोलन जब पिपली में महापंचायत हुई उसी के बाद से लगातार किसान नेशनल हाईवे 44 पर जमा हो चुके थे और कल रात उन्होंने वहीं पर गुजारी थी। लेकिन बड़ी खबर जिसे अभी हमने आपको रूबरू भी कराया, बड़ी खबर इस वक्त यही आई है कि सरकार ने किसानों की सभी मांगों को यहाँ पर मान लिया है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हम सीधे यही समझना चाहेंगे कि क्या नेशनल हाईवे जाम करने के बाद सरकार जागती है, क्या इतने प्रदर्शन के बाद सरकार को लगता है कि अब इस समस्या का समाधान जो है वो हो सकेगा, या फिर किसानों के पास महज एक ही विकल्प बच जाता है कि आप अगर खेत खलियान छोड़ करके सड़कों पर आ जाते हैं, नेशनल हाईवे को जाम करते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं, तो उसी के बाद आप अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, या फिर बातचीत के जरिए जो खास तौर से ये दूसरे दौर की जो वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान निकला है, इसमें कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो सफल रही है। तो क्या बातचीत के जरिए पहले समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहिए था? क्या बातचीत के जरिए जो अपनी मांगे थी उसके सरकार के सामने नहीं रखना चाहिए था? अगर विफल हो रही थी बातें तो एक कदम किसान बढ़ाते, एक कदम सरकार बढ़ाती और इस समस्या का समाधान होता, ना कि नेशनल हाईवे 44 जो है वो वहां पर जाम होता, जहां कई लोग जो आवाजाही करते हैं, जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, उन्हें इस तरह की परेशानी होती। और चलिए हमारे साथ तीन मेहमान जो हैं वो जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, हमारे साथ तीन मेहमान रमन मल्लिक साहब है बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कमल हांडा साहब है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इसी के साथ सतीश नंबरदार हैं, किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन मल्लिक साहब, एक अच्छी खबर यहाँ पर आई है इस डिबेट को शुरू करने से पहले कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई वो सफल रही, और सरकार ने क्या सभी मांगे मान ली हैं? देखिए, मेरे पास अभी इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है कि क्या मांगे मानी गई हैं, नहीं मानी गई हैं, कितना किसने क्या कहा क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत हालिया की डेवलपमेंट है जी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि अगर इस प्रकार का कुछ घटनाक्रम हुआ है, ये धरना खत्म हुआ है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति करने वाले कथित किसान नेताओं ने अपनी जिद शायद छोड़ के जो किसान एक्चुअल में है उनके हित के लिए अगर ये छोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये चाहे वो चरूनी साहब हों, चाहे ये टिकार जी हों, चाहे दूसरे जो कथित बीकेयू के नेता हैं, उनको हित किसान का नहीं है, उनको अपने रिमोट कंट्रोल आकाओं का हित होता है। और उनकी मंशा जो है वो मैं बता देता हूँ, उसको प्रूव भी कर देता हूँ। एक शेर दुष्यंत जी का था, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि ये आग, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सॉरी, क्यों सूरत? मुख्यमंत्री की सूरत, ये हरियाणा के अंदर सिर्फ सूरत बदलनी मुख्यमंत्री की, क्योंकि हर 6 महीने में ये अफवाह फैलाई जाती है, ये चाहत होती है कि मुख्यमंत्री बदल जाए। मेरे घर में कभी ना जले, लेकिन तेरे सीने में या तेरे घर में आग दहकती रहनी चाहिए, उपद्रव होना चाहिए, तो काम ना कर सके किसान नॉर्मल जो है। ये जो है, ये इन कथित किसान नेताओं का, इनके जो ओनर्स हैं या इनके ऑपरेटर्स हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है। और ये इसलिए कहता हूं किरण जी कि हरियाणा के अंदर MSP का रेट है 6400 रुपया, करेक्ट जी? MSP के 6400 रुपए में से 4850 पे हैफेड खरीदता है, उसके साथ 1000 रुपया भावांतर भरपाई का हम दे चुके हैं, और उसके अलावा ये अंतरिम है, ये अंतिम नहीं है, अंतरिम है, जिसमें इंटरिम पेमेंट, नॉट एंडिंग पेमेंट। अभी जिस प्रकार पूरी प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगी, जब पूरा उठान खत्म हो जाएगा, तो ये असेसमेंट आ जाएगी कि एग्जैक्ट उठान कितने भाव पे किसका कैसे हुआ, उसके बाद उसकी भावांतर भरपाई कैसे करनी है, ये सरकार सोचेगी। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं, पंजाब जो कि हरियाणा के साथ लगता है, और उसके अंदर ना मजदूरी में फर्क है, ना जमीन के क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, इस सारे में
वो 3800 रुपए पे उठाता है, वहां पे प्रदर्शन नहीं होता। वहां पे बिजली का प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुटाई करके उन्होंने भेज दी, लेकिन ये नेता वहां नहीं गए। जहां तमिलनाडु है वहां 3550 रुपए है, क्योंकि ये 5-7-8 स्टेट हैं जो कि सूरजमुखी ज्यादा उगाती है, तो तमिलनाडु है वहां 3500 रुपए, आऊंगी सतीश, महाराष्ट्र 3800 रुपए है, वहाँ 3900 रुपए है। ठीक है दमन मलिक साहब, आप जो कह रहे हैं कि सर सर मैं काफी देर से सर आपको सुन रही हूँ, सर काफी देर से सुन रही हूँ, मुझे आपकी जी काफी देर से सुन रही हूँ सर, इसमें एक सवाल, इसमें एक छोटा सा सवाल है, अगर कोई दे रहा हो तो मैं आप मानने को माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे से ज्यादा बता दो, यहाँ तक कि राजस्थान में आपको याद होगा बाजरा हरियाणा में आके बेचते हैं जी, तब भी हमने भगवानपुर व्यापारी का भी करा था सारा, नहीं सर सब सही, सब सही कि राजस्थान में कम है, पंजाब में कम है, सर सारी बातें सही हैं, सारी बातें मैं आपकी मान रही हूँ कि राजस्थान में कम दे रहे हैं, पंजाब में कम दे रहे हैं, लेकिन सर आप जिस तरह से जिस सर सवाल तो सुन लीजिए, सर सर सवाल तो सुन लीजिए, नहीं तो मुझे सीधे यहाँ सतीश जी का रुख करना पड़ जाएगा, एक सवाल छोटा सा है वो सुन लीजिए, मेरा सवाल सीधे से यही है, क्योंकि मनोहर सरकार ये कहती है कि हम आय को दुगना कर देंगे, मनोहर सरकार कहती है कि हम कहीं ना कहीं किसानों के हित में इतने तमाम काम करें, क्या आपको नहीं लगता है कि 600 रुपए भी अगर कम हो रहा है तो वो किसानों के लिए एक बड़ी रकम है, किसानों की जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से बेमौसमी बारिश हो जाती है। दो चीजें, क्या मनोहर सरकार ने ये बोल दिया कि हम इससे ऊपर पैसा नहीं देंगे? उन्होंने ये बोला 1000 रुपए अभी अंतरिम पेमेंट है, अंतिम नहीं है। दूसरी चीज, इस प्रदेश के अंदर 0% पे कृषि के लिए आपको, ऑलमोस्ट 0% पे कृषि के लिए आपको लोन मिलता है, 1100 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हो चुकी है जी, 7.5% अधिक मुआवजा मिलता रहा है आगे आगे के लिए, और पूरे हरियाणा के बनने के उपरांत हमारी सरकार आने तक 2200 या 2400 करोड़ रुपया टोटल मुआवजा बटा था। ठीक है, हमारी सरकार के अंतर्गत अलग अलग माध्यम से 9500 करोड़ रुपया बढ़ चुका है, और वो बोलेंगे जो 2-2 रुपए के 6-6 रुपए के चेक देते रहे, या वो बोलेंगे। ठीक है सतीश जी, सतीश जी आपके पास आएंगे, आपने रमन मलिक साहब को सुना है, नेशनल हाईवे जाम किया आपने और उसके बाद सरकार ने आपकी बात मान ली है, लेकिन कितने लोगों को इससे समस्या हुई इसका अंदाजा आप लगा रहे हैं? जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, आवाजाही करते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बातचीत के जरिए ही समाधान अगर होना था तो ये बातचीत करने का और भी मौका देते, क्यों हमेशा अल्टीमेटम पे आ जाते हैं कि हमने 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया तो हमने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया, सरकार पे आप प्रेशर नहीं दे सकते? सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, छोटी बहन हमने लिख कर जी आ रही है सर, हाँ अल्टीमेटम भी दिया है और हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी काम किया है, लेकिन जिस तरह गन्ने में माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया था कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, जब हमने सारे के सारे मिलों पे ताले लगाने का काम किया, जब हमें 10 रुपए मिलने का काम हुआ था, और आज ये MSP हम नहीं मांग रहे, ये केंद्र में जो सरकार है उसने हमारे को हक दिया 6400 रुपए का, भवन का बीच में आ गया, तो किसान आज अपनी साथ देने का मन बना चुका है, तीनों काले कानूनों में भी सारे किसानों ने साथ दी, और अब भी एक किसान के साथ होकर जब यह सरकार। ठीक है रमन जी, सुन लेते हैं सतीश जी को, फिर आप जवाब दीजिएगा, आप अपनी बात को रखिएगा सर, आप अपनी बात को सतीश जी को सुन लेते हैं। माननीय रमन जी से पूछना चाहूंगा, जब बोल रहे थे हम चुप थे, और तो सुनने का भी मादा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सरकार है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है जो जनता की भी सुनना पसंद करते, हमेशा किसानों को असली नकली बताने का काम करते हैं। MSP नहीं मिलेगी ऐसा किसने कहा आपसे? सरकार और आजादी अंबानी की सरकार है। रमन जी उनका सीधा, किसान जब सड़कों पे उतरे उनकी यही मांग थी कि MSP पर नहीं दिया जा रहा है, भावांतर भरपाई में जो चले गए हैं, इस योजना को लाया गया है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका ये कहना है कि भावांतर भरपाई में जो 1000 रुपए, सर जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका आपको जवाब दे रही हूँ, सिर्फ मेरा इस पर आपसे कोई सवाल नहीं है कि 1000 रुपए उनके अकाउंट में नहीं आते हैं, ये किसानों की नाराजगी की मुख्य वजह थी, उनका यही था कि जो केंद्र की तरफ से जी
जा चुके हैं, 1000 रुपया जा चुका है इनके अकाउंट में, झूठ बोल रहे हैं। मंडे को 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी की प्रेस पीसी थी, उसके अंदर बकायदा मुख्यमंत्री जी ने बोला कि क्योंकि शनिवार इतवार है इसलिए हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन मंडे को आ जाएंगे। मंडे को हिट हो गए डीबीटी में। अब बात सिर्फ ये आती है कि रंजीत, तो बात आपको करनी चाहिए इनसे, सिर्फ एक चीज का पूछिए कि एमएसपी नहीं मिलेगी, या ये जो अंतरिम पेमेंट दी थी 1000 और उसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने बोला क्या? मुख्यमंत्री की 10 तारीख की पीसी आपने भी चलाई थी और उसमें बहुत क्लियरली मुख्यमंत्री जी ने बताया था। अब मेरे को आप ये सवाल इनसे पूछ लीजिए, किसने ये बोला कि एमएसपी नहीं मिलेगी? सतीश जी, उनका सवाल सीधे तौर पे है कि किसने कहा कि आपको एमएसपी पे जो है वो सूरजमुखी की खरीद नहीं होगी, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गुरनाम सिंह चरूरी जो है जेल में है। नहीं, यह तो एक बार बताओ, वो सरकार मान रही 4850 रुपए लेंगे, 1000 रुपए भावांतर हो गया, तो इसमें खुद ही आप देख लो ना, 600 रुपए का अंतर है या नहीं है, इसमें कौन कहता है? ठीक है, ना तो शुद्ध दीपावली बात है, सरकार शुद्ध झूठ के सरकार की जय बोलते किस आदमी को बिठाया हुआ, जिसको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है किसानी में। चर्चा में लगातार हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने जब सरकार और किसानों के बीच में सहमति बन गई है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र के एसपी और डीसी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे। भारत सरकार का रेट है एमएसपी, वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहां से हुई है, आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहां पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा, अगर नहीं मिला ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये दो बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता, ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। पीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शारबाग में सूर्यमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, सबसे किसान भाइयों से अपील की है कि इस धरने को समाप्त किया जाए, पूरा हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस किसानों के साथ है, और जो जो कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उनसे हमारी बातचीत हो गई है, और जो जो मुद्दे हैं उन सभी को स्पष्ट कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है बहुत जल्द धरना उठेगा और ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीधे यहाँ पर कमल हांडा जी का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कमल जी, आपसे यहाँ जाना, क्योंकि अभी आपने राकेश टिकैत का वो बयान भी सुना जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा ये तो शुरुआत है और यहीं से हुंकार भरेंगे ताकि एमएसपी को कानून जो गारंटी है उसमें लेकर के आया जा सके, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने बात मान ली है। अब किस तरह से, जिस तरह की उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बात कही है, कैसे देखती है कांग्रेस? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगी और अपने किसान भाइयों के लिए दो चार शब्द कहना चाहूंगी कि किसान है, किसान और जवान हमेशा सम्मान के लायक है, और किसी भी देश का जो है एक भविष्य होते हैं और देश की असली ताकत भी ये किसान और जवान है। तो चीर के जमीन के सीने को ये उम्मीद बोता है, चीर के जमीन के सीने को ये उम्मीद बोता है, ये किसान है चैन से कहां सोता है।
तो मुझे ये नहीं समझ आती है एक बात कि अगर उनकी मांगे पूरी करनी ही थी, चाहे वो तीन कानून को ले लीजिए, चाहे आप ये अब धरने पर बैठे एमएसपी के लिए, सूरजमुखी की बाकी चीजों की भी जो एमएसपी इनको चाहिए, जो इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है सरकार ने, पीएम ने भी कहा था कि 2022 में आय दुगनी करेंगे, लेकिन हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं किसानों के लिए। तो ये किसानों ने जो इनको वार्निंग दी है वो बिल्कुल सही दी है, क्योंकि ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है, झूठी सरकार है ये। और ये जो कह रहे हैं सरकार अभी भावांतर का भी सोच रही है, तो क्यों सोच रही है, देती क्यों नहीं है उनको हजार रुपए देकर भी उनका पूरा 64 दे चुके हैं, पता नहीं है। कमांडर जी बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, प्लीज कीप क्वाइट। तो कम से कम अपने आप को अपडेट कर लीजिए। नहीं, आप अपडेट कीजिए, बात करने दीजिए, डोंट इंटरप्ट। डिस्टर्ब नहीं हो रही हो मैडम, जनता को गुमराह करने। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, बोले दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है पैसे की। आपको ये भी नहीं पता, ये कोई वो टाइम थोड़ी है कि 1 रुपया चलेगा और 15 रुपए तो डीबीटी होता है, पूरा पैसा खाते में। ठीक है, रमन जी, कमल जी को बोलने दीजिए। हाँ जी कमल जी, अपनी बात को रखिए। हाँ, तो किसानों की ये जो कह रहे मांगे मान ली गई हैं, ये मैं बता देती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी बातों को आप रेखांकित कर लीजिएगा कि 20 तारीख को सारे देश जानता है कि प्रधानमंत्री का यूएस का दौरा है, वहां पर उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भैया किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मारा भी गया, उनके ऊपर FIR भी हुई, कानूनी कार्रवाई भी हुई, कोर्ट तक ले गए उनको, गुरुराम सिंह चढ़वनी को, दूसरे उनको FIR भी बहुत हुई, और G20 की अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। उसके मद्देनजर ही जैसे इन्होंने पहलवानों को बेवकूफ बनाया, किसी हाँ हम 4-5 घंटे बुला के बिठा कर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। तो कमल जी, आपको ये कहना है कि ये सब जो दौरा होने वाला है विदेशी सरजमी पर, जो है सवाल पूछे जाएंगे, इस वजह से जो है किसानों की बात मानी गई है। मैडम आगे भी बोलने दीजिए, मुझे थोड़ा सा और आगे बोलने दीजिए सर। ठीक है, मैम थोड़ा वक्त का मैं जवाब ले लूंगी मैं रमन जी से। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि इन्होंने उसी के मद्देनजर ये सब किया, ये हमेशा झूठ बोलती है ये सरकार। ठीक, इन्होंने कोई काम नहीं किया साथ। अगर काले कानून वापस लेने ही थे तो ये लाए क्यों, माफी मांग के। ठीक है सतीश जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं रमन जी से आप दोनों के सवालों का जवाब ले लूंगी। घर का कोई नहीं। ठीक है, ठीक है कमल जी, ठीक है कमल जी, सतीश जी अपनी बात को रखिए। उनका यही कहना है कि जब बात मान ली गई है तो इससे जो किसान नेता अपने आप को बताते हैं उनकी राजनीति खत्म हो गई है। मैं माननीय रमन जी से एक बात कहना चाहूंगा, ना कभी किसान राजनीति करता ना कभी करे, और राजनीति करने का अधिकार सभी को है, ये कुछ चुनिंदे लोगों को नहीं है। रही बात दूसरी, ये किसान किसी पे वैसे नहीं मांग रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री का रेट दिया हुआ रेट है, और खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं हम जितनी भी फसल होगी जो MSP का रेट निर्धारित करेंगे हम उस पर खरीदने का काम भी करेंगे, नहीं तो हमें पंजाब का मतलब नहीं, हमें राजस्थान का मतलब किसी का भी नहीं। हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, जब देश आजाद हुआ 983 आदमियों का फांसी टूटने का काम हुआ था, जिसमें तो 670 आदमी अकेले पंजाब के थे, तो पंजाब का आदमी हरियाणा उस टाइम पर पंजाब था, हिमाचल भी पंजाब में था उस टाइम पर, हरियाणा का आदमी अपना हक लेना जानता है, अब अपना हक छाटे रख। लेकिन सतीश जी एक चीज बताइए, जो यहाँ पर अभी राकेश टिकैत जी ने कहा, सतीश जी एक चीज बताइए, राकेश टिकैत जी ने जो चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये तो शुरुआत है, अभी तो हुंकार भर रहे हैं, अभी आंदोलन आगे और चलेगा, सब कोई तैयार हो जाए, क्या सिर्फ इसी आंदोलन, नेशनल हाईवे सबको जाम करके ही क्या किसान जो है अपनी बातों को मनवाएंगे सरकार से? मेरा सवाल यही है, क्यों आम लोगों को परेशान करना? कृषि प्रधान देश हमारा, कृषि से सब खाते हैं, जो परेशान होते हुए भी किसानों से, किसान ही हुए भी किसान से जुड़े हुए हैं, वे कोई परेशानी नहीं मानते, वे सब समर्थन देने का काम करते हैं, वो तो एक पॉलिटिकल उसे सामने रखते हैं सिर्फ उसी टाइम पे, नहीं तो वे सबका धन्यवाद करते जाते हैं और चंदा भी दे कर जाते हैं साथ में, और हौसला बढ़ा कर जाते हैं किसानों का, हक आप आगे बढ़िए हम आपके साथ है, उनके खुद परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है रमन जी, जवाब दीजिए। पहला तो कमल जी ने ये कहा कि सरकार का भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री जी को जाना है और सरजमी पे, दूसरी सरजमी पे वहां पर जवाब देना है, इस वजह से तमाम बातें जो है वो मान ली गई हैं। मेरे ख्याल से कमल को जो आज बेलकिन जी ने और दूसरों ने कहा है US में और इंडिया US चैम्बर में जी, और CII का भी एक फंक्शन था उसमें भी कहा है कि US रिप्रेजेंटेटिव में, मेरे ख्याल से कुछ सुन लेना चाहिए था, अच्छा रहता।
इनको पता लगता कि यूएस में क्या इंडिया की अब साख है और क्या क्या बोला जाता है। और हमारे को ये पता है कि कैसे प्रधानमंत्री पद की, भारत के प्रधानमंत्री पद की इज्जत को बचाना है। ऐरे गैरे नथु खैरे, पाकिस्तान जैसे आके अगर कभी हमारे प्रधानमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को देहाती औरत बोल देते थे तो उसके खिलाफ भी खड़ा करना और खड़ा होना, उनको जवाब देना हमको आता है, और हमने उस पद की गरिमा को उस समय भी निभाया था, आज भी निभाएंगे। जी, ईडी दूसरी और सीबीआई के तो द्वारा जवाब देते ये हैं आप? जो बात अभी कर ईडी रहे और सीबीआई के द्वारा हैं, जवाब देते हैं आप? मैं अभी एक चीज पूछना चाहूंगा इनसे कि यहाँ पे तो इन्होंने जो करना कराना था बहुत अच्छा है, वो भी बोलते हैं हम जीत गए। अभी राकेश टिकैत बोल रहे थे, और राकेश टिकैत को मैं पैसे दूंगा ट्रेन की टिकट के या जो भी उन्हें चाहिए, कि ये कर्नाटक में 4,077 रुपए जो मिल रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करने कब पहुंचेंगे, तमिलनाडु में 3,550 रुपए मिल रहे हैं उसके खिलाफ कब पहुंचेंगे, पंजाब में 3,800 रुपए मिल रहा है उसके लिए कब पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में 3,840 रुपए तो रमन मिल जी, रहा आप है, ये चाहते हैं कि अगर गुजरात हरियाणा में हो रहा है तो वो पूरे देश में होना चाहिए, सरकार की नाकामी है जो मैं पे एक्सपोज यानी ये दूसरे कर रहा हूं कि ये पे एजेंडा है, ये लिए। इनकी नीयत कोई नहीं है, ये एजेंडा है। मैं आपसे सिर्फ ये इतना आपकी बोलता हूं, नियत में जहां ये खोट है बैठे हुए तो आप थे करवाना वहां नहीं से चाहते सिर्फ कहीं डेढ़ पे सौ भी। किलोमीटर पे पंजाब है, जहां बैठे हुए थे वहां से 150 किलोमीटर पे मेन हार्टलैंड है पंजाब का, आप वहां क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं खड़े हुए? आज तो वहां किसान पिटे भी हैं बेचारे, तो वहां क्यों नहीं गए उनकी मदद के लिए? चपेटे ये तो अगर हरियाणा में किसान भी का है, दर्द, जेल में भी मैडम बंद है। बात ये है, आप ये सर अपने बताइए स्टेट की हरियाणा बात के छोड़ के हम प्रोटेस्ट के दूसरे लिए राज्यों की बात क्यों क्यों कर नहीं रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान सारी जगह का एक है, ये तो बोलते हैं, चाहे वो कहीं का भी किसान हो, पूरे भारत के किसान के लिए ये तो लड़ रहे हैं। ये कैसी बात हो गई कि हरियाणा का किसान किसान और पंजाब का किसान किसान नहीं है, ऐसे कैसे सर, हो तभी तो जाएगा? इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के, सरकार राजस्थान के, पंजाब के किसान सबका सपोर्ट मिला, उत्तर प्रदेश के भी किसान आए थे ना मैडम, इस मैं तो ये आंदोलन बोल में। रहा हूँ ना, अभी तो आप फिलहाल मेरे सवाल का मैं जवाब फिलहाल दें सर या इस इनसे राज्य के बारे दिलवाएं। में बात कर रही हूँ, हरियाणा राज्य के बारे में ये बात 150 किलोमीटर दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये भी बना 150 किलोमीटर दूर जाने के लिए इनको क्या कुछ और चाहिए, क्या मोटिवेशन चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो बताएं। और दूसरी चीज ये बताएं कि इस भाव के बराबर और कौन से राज्य में सूरजमुखी का भाव मिल रहा है, ये बता दें। ठीक है रमन जी, अब तो इसमें सहमति बन गई है, लेकिन एक सवाल ये, जो बात राकेश टिकैत ने कही है कि ये तो सिर्फ हुंकार है, आगे बड़ा आंदोलन होगा ताकि एमएसपी को गारंटी में, कानून की गारंटी में बना लिया जाए, इसको लेकर के क्या कहेंगे? केंद्र के साथ बातचीत मैं तो होगी ये ताकि चीज बन जाए? के लिए डरता हूँ, मैं इस चीज के लिए डरता हूँ कि जिस दिन हर व्यवसाय यही चीज बोलेगा कि ये मेरे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर चीज की दो, जी तो हमारा हाल वेनेजुएला जैसा होगा, पे 450% फूड इन्फ्लेशन है। जी और दूसरी चीज मैं ये पूछता हूँ कि तो जब सरसों के आप भाव भाव बढ़ते हैं सरेंडर कर दिया और आपने, किसान की जेब में जाते हैं, तो यही कांग्रेस चिल्लाती है नहीं कि यही भाव तो कर बढ़ रहे गए हैं सरसों के तेल के, आप कर जब क्या रहे आटे हैं? का भाव बढ़ता हम है जीते तब ये चिल्लाते हैं, लेकिन गेहूं का भाव एमएसपी बढ़े तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं छोटे होती, बच्चों के दूध ये कैसे होगा, ये सिलेंडर दोरी कैसे सिस्टम चलेगा? आप ये बताओ कि अगर सूरजमुखी का आज रेट 6,400 रुपए पहुंचता है तो तेल का भी रेट बढ़ेगा, तो जब तेल बढ़ेगा रेट तो इन्फ्लेशन के लिए जब ये रोएंगे तब ये कौन सा रुख अपना रहे होंगे? ठीक है, किसानों के लिए कोई दुख नहीं, उनको डीजल दुख नहीं, कटा दिया दो ये मैं आपने, आपको बता दूं, ये देश की ठीक है, लेकिन कमल जी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना कि कांग्रेस ने क्यों नहीं इसको गारंटी बनाया, आप लोगों ने प्राइवेट प्राइवेट गारंटी कानून में क्यों नहीं लेके आए, ये कांग्रेस में भी ये सवाल खड़ा होता है। चलिए, वक्त की यहाँ पर कमी है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के इस मंच पर आकर के इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए, लेकिन सवाल एमएसपी की गारंटी कानून पे अब तक बना हुआ है जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ये सिर्फ शुरुआत है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।